पाजी मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होती है ना टीवी पे किसी ना किसी चैनल पे क्रांतिवीर जरूर आ रही होती है। अच्छा, नाना पाटेकर साहब की फिल्म हाँ। देखते ना उनका डायलॉग बड़ा मशहूर है वो, क्या आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे बाहर आएगी, कुछ देर लटकता रहूंगा, मर जाऊंगा, तुम लोग घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अच्छा वो फिल्म इतनी बार देख चुके ना, मुझे तो बचपन में यही लगता था कि हमारे देश को आजादी नाना पाटेकर ने दिलाई है। सीरियसली क्रांतिवीर खत्म होती है, तिरंगा शुरू हो जाती है, उसमें भी नाना पाटेकर साहब, शाम तक नाना पाटेकर साहब बोल बोल के थक जाते हैं, फिर रात को सनी पाजी की बारी आती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अच्छा लेकिन एक चीज अच्छी है, उस दिन बच्चन साहब को आराम मिल जाता है, नहीं तो रोज उनकी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चलती रहती है। अरे मुंबई में तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 26 जनवरी के दिन बड़ी ठंड पड़ती है और हर स्कूल में तकरीबन फंक्शन होते हैं, और इस दिन जो बच्चा ठंडे पानी से नहा के स्कूल चला जाए उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। अरे ठंड के मौसम में ना बड़ा मुश्किल होता है, बाथरूम में जाने का दिल ही नहीं करता नहाने का, सब कुछ छूट जाता है। देख लो आप कंबल लेके सोते हो ना, अभी थोड़ा सा पैर बाहर निकल जाए तो पजामे के अंदर से हवा जाती है ना, जरूरी सी होती है, ऐसे नहाने का दिल नहीं करता आदमी, बच्चा तो तब तक बाथरूम में नहीं जाता जब तक माँ नहीं कहती अगर नहाएगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा तुझे। जब बाथरूम में जाता भी ना उसके बाद भी कितनी देर ना वार्म अप होता रहता है, पानी वाले टब के पास यूं बैठा रहता, देखता रहता पानी को, फिर धीरे धीरे कपड़े उतारेगा आराम से, उसके बाद में फिर भी नहीं नहाता, फिर थोड़ी देर हाथ डाल के चेक करता पहले कितना ठंडा है। अब पानी डालना ठंडा सर्दी के मौसम में मतलब ये कोई जंग से कम नहीं होता, फिर आदमी को गुस्से वाली चीज सोचता है, फिर लगा रहता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे विशाल सर आपकी तो जोड़ी शेखर सर के साथ है, आपने जावेद भाई के साथ जोड़ी कैसे बना ली? सर ऐसा है कि मतलब फायदे का काम जाऊं। नहीं बाय दैट आई मीन आपको तो पता है ना लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती है जितने चांस मिलते हैं ले लेने चाहिए। अच्छा। तो मैं यहाँ पे शेखर और कुछ। अच्छा छाप रहे नोट? बिल्कुल, काम धंधा कोई नहीं छोड़ रहा, क्या बात है ये बात आपको पता है सिद्धू भाई आपसे सीख रहे हैं लोग गुरुजी कि छोड़ना कुछ नहीं छापते जाओ। नहीं मैं भाजी देखो मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो मल्टी टास्क करने चाहिए ना। ठीक है, मुझे तो भाजी उस दिन बोल रहे थे कहता मैं ना चाइनीज मोमो बनाने शुरू कर दिया। आज पहली बार इतनी छोटी उम्र के गेस्ट हमारे शो पे आए हैं। कपिल भाजी जी सर, ये छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़ों बड़ों से बहुत बड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है सर, छोटा तीर घाव करे गंभीर। आए हाय क्या बात है, आप बात समझा, आज तेरे पास हीरे हैं तो जौहरी मेरे पास हैं, ठोको। अच्छा ये सोफा पे जो आप बैठे हो, पिछले हफ्ते यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे थे, सलमान भाई बैठे थे, आप इतनी छोटी उम्र में इस सोफे बैठ निकालो 15,000 रुपया। अच्छा ये चारों ही बच्चे हैं तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इनको कुछ ज्ञान बांटने का मेरा दिल कर रहा है। अरे अब आप लोग स्टार बन गए हो, फेमस हो गए हो, पहली बात तो कोशिश करना स्मार्टफोन जेब में रखो ही ना, और अगर रखा है तो ट्विटर पे नहीं जाना रात को 11 बजे के बाद। अच्छा मैं ये ट्विटर का घायल है। अच्छा मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, उनके गुरु खुद रात ट्विटर पे चले जाते हैं। ये विशाल भाई भी ट्विटर पे कुछ ना कुछ धमाल मचाते रहते हैं, कभी मचाते हैं कभी मच भी जाते हैं। तो ट्विटर वगैरह पे ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, सलमान विनर है इंडियन आइडल के और नितिन सिर्फ एक दो मतलब इतना सा फर्क है। और अच्छा नितिन आपने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया कि नहीं यार चलो सलमान को जीतने दो, कि उस दिन तुम अपना वो लकी ब्लू कलर का कच्छा पहनना भूल गए थे। ये सलमान ने मुझे बताया था, कहता है ना ये नितिन जो कच्छे का बोलबाला है सर। ये सीरियसली सलमान ने अपने एक एपिसोड में बताया था कि नितिन का ना फेवरेट है नीला कच्छा, वो लकी है इसके लिए, वो जब पहनता है तो मतलब ये जीता ही जीता है, तो उस दिन कच्छा पहनना भूल गए थे क्या हुआ था? ये बात मुझे सलमान से पूछनी है। पहली बात तो तुम्हें कैसे पता चला वो नीला कच्छा पहनता है? मैं और नितिन हम एक रूम में रहते थे दोनों भाई। अच्छा मैं जब भी जाता था तो बाथरूम में नीले कलर के कच्छे सूखते रहते थे। इसका मतलब ये लगा एक नहीं था, मुझे लगा पूरा सीजन एक ही कच्छा पहन के। नहीं पहले तो इसके पास एक ही था, फिर मैंने बोला भाई यार तू कुछ तो शर्म कर, तेरे पास एक ही कच्छा है तू पहन के जाता है, जिसमें भाई ठीक है मैं 2-4 और ले आता हूँ मार्केट से जाकर। एक छोटे से शहर से उठ के आज पूरे हिंदुस्तान में आपको दुनिया जानती है जी। कैसा हिमाचल उसके बाद गए फिर वापस? मैं जहाँ पे रहता हूँ वो आप भी वहाँ पे माता चिंतपूर्णी के पास जी, आते जी, रहते जी, हैं। मतलब इतना ज्यादा प्यार वहाँ पे मिला कि मतलब जैसे मेरा साइज है उतना प्यार मेरे को मिला। क्या बात है। और
इतनी मैं हिंदी प्यार से बोलता नहीं, मैं पंजाबी बंदा तो पंजाबी में बात करता हूँ। मैंने बहुत चंगा लगा पाना मिलके और सर नु मिलके, और बहुत प्यार मिला और मिलता रहेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नितिन तुम्हारी इंग्लिश भी कमाल है यार। Let's talk in English, bro. Come on! Come on, Nitin! Yeah! Oh. So how are you feeling after becoming a star? It is feeling very out of the world. Like plane travel in the sky, I am feeling like that. Oh, yeah. And I'm very lucky that I am sitting on the sofa. Hey, Guru! इंग्लिश तेरी मानू ना मानू तेरा कॉन्फिडेंस मान गया। व्हाट डू यू थिंक? अगली बात मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में नहीं बन रही मेरे से। बताओ व्हाट डू यू थिंक? अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में टेलम टेलम। मैं बनाता हूँ सेंटेंस, मेरे 15 मिनट दो। व्हाट डू यू थिंक इन नेक्स्ट इलेक्शन? Future. What? 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 Tell me. मैं सर ये इंग्लिश में जवाब मैं सिखा दूँ उनको। हाँ जी हाँ जी। You say next election, good selection. Wow, wow, awesome. सिद्धू जी आपके लिए हमारा political नमस्कार। कपूर शर्मा आपके लिए accidental नमस्कार। करना नहीं था, accidentally हो गया। अरे वैसे जावेद जी आपको एक कांग्रेचुलेशन करना है। क्या हो गया? ये स्पेशल है, बिग बिग कांग्रेचुलेशन बताते हैं आपको। अरे हमने पहली बार किसी रियलिटी शो में जज का वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा है। ये बात है। कमाल मान गए सर, मान गए। इससे बड़ा सरप्राइज हो ही नहीं सकता। ये हुई तब नहीं, मतलब हमको आपका शो अच्छा लगता है सर, इंडियन आइडल चालू हुआ अच्छा लगा, फिर वो चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सर उसके गुनाहगार ये लोग हैं, ये जो बैठे हैं थोड़ा गुनाहगार है। हाँ इनका भी है, इस आदमी का स्पेशली। हम देखे सलमान को, भाई तुमको आइडिया है जो इतना लंबा तुम आलाप खींचते हो, हम देखे हैं तुम्हारे लंबे आलाप की वजह से था 3 महीना खींच के ऐसा 7 महीना हो गया। सलमान तुम्हें पता है जब तुमने आलाप लेना शुरू किया इसके 10 बच्चे थे, आलाप खत्म हुआ इसके 11 हो गए। ये कौन सा बात हुआ सर? यू हैव टू नो कि बच्चे आलाप की वजह से नहीं मिलाप की वजह से होते हैं। It's a biological reality. You will face it soon. बच्चा, तेरा आज यहाँ कैसे आना हुआ? बता देते हैं। ऐसे आना हुआ। ओए दिल पे लग गई बात सर। ये बात दिल पे लग गई। लगी ना सर? सवाल ही ऐसा पूछता है। सर हम भी म्यूजिशियन हैं सर, अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम कमाल का बजाते हैं, बड़ा मजा आता है। कौन सा? डोरबेल। मेरे बच्चे को गाना सुनना था, प्लीज सुना दीजिए, बाकी तन बदन में आग मैं खुद ही लगा दूंगी। नहीं तितली हमारी वाइफ है, तितली तितली हम इनसे कह रहे थे कि कोई कबीर का दोहा हुआ सुनाओ। अच्छा बात सुनाओ, मतलब रोमांटिक गाने सुनने आपको? नहीं नहीं, आपको भजन भजन सुनाने का। मर जाऊं, आज तक मुझे तो कभी कोई रोमांटिक गाना सुनाया नहीं, गाना दूर की बात, बाजी आज तक इन्होंने रोमांटिक बातें नहीं की मेरे साथ। अरे परसों तो ये रोमांटिक शेर सुनाए थे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तेरी भैंस का तीतर। ये क्या है? ये क्या गाने होते हैं? अरे सिद्धू बाजी को देखो, क्या शायरी सुनाते हैं बाजी, मजा ही आ जाता है। तो हमको भी वहाँ बैठा दीजिए, फिर देखिए क्या शायरी निकलता है हमारे अंदर से भी। बाजी मोटे की हिम्मत देखो, सीधा मंत्री की कुर्सी पे नजर। हाँ बाजी वाह, इंडियन आइडल वालों, इंडियन आइडल वाले ना, मुझे लगा कि चाचा जी बनारस से बच्चे घुमाने लाए हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं,
ये मेरे पति हैं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके। शादी से पहले पासी वादे किए थे, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगा। पर कुर्सी पे बैठ नहीं पाती है, 8 कुर्सियां तोड़ चुकी है। अब पलकों पे बैठाने का रिस्क लेगा कोई? मेरे सारे सपने टूट गए विशाल जी। मेरा सपना था जब मैं लड़की होती थी कि मेरी शादी हो, उसके बाद मेरा पति ना मुझे बीवी और गर्लफ्रेंड का दोनों का प्यार दे, मेरा पति साइकिल चलाए, मैं डंडे पे बैठूं, साइकिल शू शू करे, हम दोनों जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। बैठाया था डंडे पे, 4 जेंट साइकिल को लेडी साइकिल बना चुकी है ये। हर सोमवार के व्रत रखे इस बंदे के लिए, लेकिन इसको कोई कदर नहीं है। पाजी इसने ओ ना 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 क्या मैं रो थोड़ी रही हूँ, ठीक आ रही है। कुछ भी नहीं किया पाजी इसने मेरे लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.